एक ऐसा कलाकार जिसका पुलिस वालों गोलियां मार के कतल कर दिता गया। तुहानू पहला उसका एक गीत सुनाने जो उस वक्त भी अज भी बेहद मकबूल है। ये गीत आप सब ने सुनया होगा। ये गीत वाला गायक है दिलशाद अख्तर, जिसका कि एक पुलिस के DSP वालों चलते अखाड़े विच फरमायश का गीत ना गाउण करके गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। वीडियो नूं एंड तक पूरी देखना। जे तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया होया तां कृपा करके चैनल सबसक्राइब करन दी खेचल करनी। तां शुरू करदे हां अज दी वीडियो। दिलशाद अख्तर का जन्म 1966 विच पंजाब दे पिंड गिलजेवाला कोटकपुरा विखे होया सी। उसने फरीदकोट शहर के अपने उस्ताद कोलों संगीत सिख्या सी। दिलशाद अख्तर प्रसिद्ध गायक कीड़े खां शकील के पुत्र सन। दिलशाद अख्तर के चार भैन भरा होर भी सन, वड्डी भैन वीरपाल, छोटा भरा गुरदित्ता ते छोटी भैन मनप्रीत। मनप्रीत अख्तर जिन्हों का कि पंजाबी संगीत विच बहुत वड्डा नाम भी है। गिलजेवाले तो खानदानी गायकी दी चारे पासे धूमां पवातियां सी। आप दे वेलियां च बाबे मरदाने क्या चों दिलशाद अख्तर ने 1980 च जलालाबाद पहला अखाड़ा लाया सी ते फिर पिछां घुमा के नहीं देखिया, गायकी तो फिल्मां तक का सफर शुरू किया। तकरीबन सारे ही गीत दिलशाद दी मकबूलियत वाले सी, पर उन्हां टाइमां च कहिंदे हुंदे डांग उत्ते डेरा जटदा सब तो वध वज्जिया करदा सीगा। इस तों अलावा उसके प्रसिद्ध गीत होए ने मन विच वसना सजना रहना अखियां तंदूर, सानू परदेसियां नू याद करके कानू अथरू बहाउंदी, चरखा बोल पिया मेरे यार दी चर्चा गली गली, कुंडा खोल बसंतरीए हुण क्यों रोनी ऐ बिल्लो, दिल चोरी हो गया ये तुंबा मेरी जान कुड़े। दिलशाद अख्तर ने सैकड़े गीत गाए जो सैकड़े गीत उहदे हिट होए। उसने बहुत सारिया पंजाबी फिल्मों विच गीत गाए। उसने कई धार्मिक गीत भी गाए। पंजाबी फिल्म स्टार वरिंदर की मौत तो बाद दिलशाद ने उसनू श्रद्धांजलि दित्ती ते गीत गाया नहीं उह भुलना विछोड़ा इक तेरा सारे दुख भुल जाणगे। यह गीत बड़े विराग नाल गाया सी जिसने लोगों दीआं अक्खां विच हंजू भर दित्ते सन। अज भी वह गीत वरिंदर की याद नूं ताज़ा कर दिंदा है। आपां सब नूं पता है कि पंजाबी दे बेहद मकबूल गायक अमर सिंह चमकीले का गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। ये तो आप सारे जानते हैं, पर दिलशाद अख्तर का भी गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। होया ये कि गुरदासपुर के सिंहपुरे च 1996 नूं किसी का विआह सी जिथे कि दिलशाद अख्तर का अखाड़ा बुक किया गया सी। पर यह अखाड़ा दिलशाद अख्तर की जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम हो निबड़िया। होया ये कि DSP स्वर्ण हुंदल उस विआह विच मौजूद सी जो कि वार वार बंदूक विखा के दिलशाद अख्तर तो नचण तो पहला होका देंगे गीत गवाउण दी जिद कर रहा सी। दिन सी 26 जनवरी 1996 ते जगह सी डेरा बाबा नानक कोल पिंड सिंहपुरा जिथे कि बरात टुकी सी ते दिलशाद अख्तर गा रहा सी। DSP स्वर्ण हुंदल नशे दे विच झूमदा होया नचण तो पहला होका देंगे वाला गीत की फरमायश वार वार कर रहा सी। अग्यों निम्रता सहित ना हो गई कि यह किसी होर का गीत गाया होया है, मैं ये गीत नहीं गा सकता। तो DSP हुंदल नूं ये अपनी बेइज्जती समझी। हेठी समझ के DSP का अहुदा खाकी मानसिकता दे अपना असर विखाया। कोल बैठे गनमन कोलों AK-47 फड़ी DSP हुंदल ने सारे का सारा मैगजीन गा रहे दिलशाद अख्तर की छाती से खाली कर दिता। एक घटना सी 1996 की, पर जे घटना 4 साल पहला यानी कि 1992 तक हुई होंगी तो खाड़कू लहर नूं दबाउण दे चक्कर दे विच इस केस ते भी मिट्टी पा दित्ती जांदी। पर तत्कालीन हालात उठे रोह करके DSP नूं बर्खास्त करके जेल भेज दिता गया। पर मगरों गल ठंडी हुई तां सिस्टम ने चोर मोरी थानी वापस बुला लिया ते DSP स्वर्ण हुंदल 2002 तक पुलिस की नौकरी करता रहा। पर सुर सिंह वाले के नौजवान की गुमशदगी
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਭ ਕੁਝ CBI ਤੀਕਰ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਰੀਕਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ 2008 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਨਾਲੀ ਦੇ ਫੈਰ ਹੋਏ। 12 ਬੋਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੀ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਡੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਹੁਦਾ, ਵਰਦੀ, ਲਾਲਚ, ਪੈਸਾ, ਸਟਾਰ, ਘਰ, ਦੌਲਤ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਸਿਜਦੇ, ਸਲਾਮਾਂ, ਧੌਸ, ਆਕੜ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਣੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ DSP ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਖਿਲਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ AK-47 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਅੱਜ ਸਵਰਨ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ DSP ਸਵਰਨ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਖੂਬ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।